नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। और फ्रेश यहाँ पर वीडियो आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ MI A2 के ऊपर, इसके एक और रोम के बारे में। और ये रोम थोड़ी अलग है, जैसे मेरा बोलने का अंदाज भी आज बदल चुका है कुछ इसी तरीके की। ये रोम है, पता नहीं इसका नाम की तरह ही बिल्कुल ये एंशियंट OS इसका नाम है और उसी की तरह इसके अंदर फील, लुक। और मैं यहाँ पर मतलब कुछ अलग मैं इस रोम के अंदर ज़रूर यहाँ देख पाया हूँ। मतलब कुछ तो चेंज किया गया यार इस रोम में, कुछ अलग मेरे को यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है इस रोम के साथ में। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कर्नल का कौन सा यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर SDM660 कर्नल का यूज़ किया गया है। Xiaomi का डिफ़ॉल्ट कर्नल जो है उसी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप अपना कस्टम कर्नल खुद से डाल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कर्नल अवेलेबल हैं इसके लिए, तो आप जो मर्जी यहाँ पर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एंड्रॉयड 10 के जेस्टर्स हमको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्मूथ है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। फुल्ली एंड्रॉयड 10 के अंदर जो है रोम हम वर्किंग है और आपको यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर 5 मई के देखने को मिलते हैं। बात करें फ्रेंड्स बाकी चीज़ों की, तो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर और कुछ इसी तरीके से फ़ोन आया है, इसी कंडीशन में आया है जैसे कि आप देख सकते हो। जी एप्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसके अंदर, प्ले स्टोर वगैरह हो गया है। यहाँ पर एक अलग से एंशियंट का जो है ऐप बना आ रहा है, इसको हम चेकआउट कर लेते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही अलग तरीके की लुक एंड फील है, सच में कुछ एंशियंट टाइप ही लग रहा है भाई। क्या है ये, मतलब ख़तरनाक लग रहा है यार ये रोम थोड़ा देखने में। मतलब मैं बैक कर रहा हूँ तो पूरा बैक हो जा रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ से मैं अगर कैंसिल दबाता हूँ तो ये बैक हो जा रहा है, शायद कोई बग वग हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे यार इसके, तो भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये। तो यहाँ पर गियर के अंदर चलते हैं, गियर कमिंग सून लिखा आ रहा है, एक्चुअली अभी वर्किंग नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन यार कुछ अलग सा ही मेरे को दिख रहा है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करते हैं यहाँ पर, तो क्यों मैं इसके अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ नोटिफिकेशन पैनल को, आप यहीं से समझ गए होंगे। कुछ अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है यार, मतलब ऐसा नहीं दिखाई देता बेसिकली जो है स्टॉक रोम का, जो इसको कह सकते हैं हम नोटिफिकेशन पैनल। तो यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन ऐसा काम कर रहा है, यहाँ पर काफ़ी लो ब्राइटनेस के साथ आता है फ़ोन, काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ पर सेंटर में रखता हूँ फिलहाल, थोड़ी और कम कर लेते ताकि आपको विजुअली और अच्छा दिखे। नाइट मोड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा बैटरी सेवर वगैरह जो है यहाँ पर छोटे मोटे, और यहाँ पर बाकी चीज़ें तो आप अपने आप से एडिट कर सकते हैं, लाइक डार्क थीम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हॉट स्पॉट वगैरह जो है अगर आप लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। उसके अलावा कुछ यहाँ पर मैं देख सकता हूँ One UI की जो फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी, एक्चुअली One UI में तो सेंटर में होता है लेकिन वो भी नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ बिल्कुल थोड़ा सा अलग आप देख पाएंगे यहाँ पर, कुछ तो अलग है बाकी OS से। कैमरा की बात करते हैं फ्रेंड्स इस रोम के अंदर, तो यहाँ पर हमको जो कैमरा देखने को मिलता है वो MIUI का जो है डिफ़ॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हम ANX कैमरा भी इसको कहते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कैमरा ही लग रहा है मेरे को, यहाँ पर ANX कैमरा नहीं लग रहा है। ANX के अंदर थोड़े बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर जो है MIUI का जो है डिफ़ॉल्ट कैमरा आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर GCam वगैरह का मैंने वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा इसके GCam का, जाके चेकआउट कर सकते हैं। 7.3 का भी दे दूंगा, 6.2 जो भी है आपको सारे दे दूंगा यहाँ पर लिंक में। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर सारे G apps आपको लगभग देखने को मिल जाते हैं, फोटोज़ के लिए गूगल फोटोज़ का सपोर्ट है, रिकॉर्डर मिल जाता है यहाँ पर आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्रोम देखने को मिल जाता है, कोई अलग सा ब्राउज़र या गंदा सा भद्दा सा ब्राउज़र देखने को नहीं मिलता, और सारे कैलेंडर वगैरह सब कुछ लगभग यहाँ पर गूगल की तरफ से ही देखने को मिल जाता है। कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पर वोल्टी परफेक्टली वर्किंग, एक बार मैं आपको 198 पे ज़रूर से यहाँ पर कॉल लगा के दिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टी जो परफेक्टली वर्किंग है। बिना टाइम गवाए यहाँ पर चलते हैं सीधा हमारी सेटिंग्स की तरफ, तो यहाँ पर सेटिंग का आइकन ये रहा, और भाई साहब ये क्या है, मतलब सेटिंग में भी कुछ अलग है यार। ये देख सकते हो आप पीछे चित्रकारी और रखी भाई तगड़ी वाली, मज़े ही आ गया देख के। तो यहाँ पर आपको ये अपना जो है मल्टीपल यूज़र वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइड में, और ये सेटिंग लिखा हुआ है पीछे कलाकारी और रखी भाई, बहुत तगड़ा ऑप्शन है यार। मतलब इसको हम चेंज वेंज करने का सीन भी देख पाएंगे और आप साइड पैनल में भी देख पाएंगे, तो अलग सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया देख के। मतलब ये रोम से मैं थोड़ा बहुत खुश भी हूँ और अजीब भी लग रहा है थोड़ा सा, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस दे दिया है, थोड़ा कम यहाँ तक होता तो चलता, इतना होता ना और यहाँ पर सेटिंग वेटिंग लिखा होता तो बढ़िया रहता ही, तो काफ़ी ज़्यादा सेटिंग ऊपर हो गया। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नेटवर्क एंड सेटिंग के अंदर, देख लेते हैं कुछ अजूबा तो नहीं कर दिया उन्होंने, तो नहीं यहाँ पर ठीक है सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है और यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एशियंट फीचर के बारे में हम बाद में बात करते हैं, बाकी अभी देख लेते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन के अंदर कुछ अलग नहीं है।
चलते हैं यहाँ पर सीधा डायरेक्टली डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले के अंदर भी हमको सारी ऑप्शन जो है यहाँ पर पुराने वाले देखने को मिलता है, ऐसा कोई नया ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिलता। एक बार डार्क थीम ऑन करके देखते हैं किस तरीके का हमको डार्क देखने को मिलता है। तो बिल्कुल पिच डार्क मोड यहाँ पर देखने को मिलता है, थम्स अप फॉर दैट। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे की तरफ फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज और बाकी सारे चुटर पुटर ऑप्शन सारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर चलते हैं डायरेक्टली सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी के अंदर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ फिंगरप्रिंट का ओनली ऑप्शन अवेलेबल है, फेस अनलॉक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। फिंगरप्रिंट और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें परफेक्टली वर्किंग है, सिक्योरिटी से रिलेटेड फिंगरप्रिंट यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर डिजिटल बेलबिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा शॉमी पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर भैया ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी अलग देखने को मिल रही है स्टॉक से। यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक और LED ब्राइटनेस वगैरह सारी चीज़ें वही हैं, सेम है। यहाँ पर हेडफोन और माइक्रोफोन गेन करने के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले कैलिब्रेशन के लिए यानी कलर कैलिब्रेशन आप कर सकते हो। थर्मल सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आप परफॉर्मेंस के अंदर रखते हैं तो आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर महसूस कर पाएंगे। बैटरी के अंदर रखते हैं तो बैटरी वाली चीज़ आपको यहाँ पर मतलब एक्सट्रीम बैटरी सेविंग आपको देखने को मिल जाती है। इसके अंदर गेमिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगर आप गेमिंग ज़्यादा करते हैं तो इसको गेमिंग के अंदर रख सकते हैं और इसकी वजह से जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर फिलहाल मैं इसको एक्सट्रीम बैटरी में रखने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे को यहाँ पर गेमिंग का मैं इस फोन में नहीं खेलता हूँ, यहाँ पर पोको X2 में गेमिंग वगैरह करता हूँ, ये सिर्फ कॉलिंग वगैरह के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ फ़ोन को। इसके अलावा मैं एक बग यहाँ पर ज़रूर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं सिस्टम के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर मेरे को कोई भी जेस्टर्स का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाहर यहाँ पर लिखा हुआ है जेस्टर्स। तो ये फिक्स करने की ज़रूरत है अगर आप देख रहे हैं जिसने रोम को डेवलप किया या जो इनके मेंटेनर है एक्चुअली, वो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का एक बग देखने को मिल रहा है और ये थोड़ा सा कुछ इस तरीके का हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। फाइनली वो मोड आ गया जहाँ पर हम चेक करेंगे एंशियंट फीचर के बारे में और देखेंगे क्या अजूबा है भाई। कुछ अलग ही रोम है तो यहाँ पर कुछ अलग एक्सपेक्टेशन भी ज़रूर मेरी यहाँ पर है इस रोम से। स्टेटस बार के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर वोल्टी आइकन वगैरह सब के अंदर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टेटस बार आइकन वगैरह भी देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। 4G आइकन को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं LTE से तो उसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन वगैरह भी इसके अंदर कुछ है, बट पता नहीं क्या है। ओके, तो यहाँ पर कुछ तो हाइड हो रहा है ऊपर की तरफ से, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा क्लॉक सेटिंग भी आप कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर सेंटर में ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ क्लॉक को, अगर ऑप्शन अवेलेबल होता नहीं तो लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर फिलहाल तो मैं यहीं पर रखूँगा। इसके अलावा यहाँ पर आप सेकंड शो कर सकते हैं, डेट एंड टाइम शो कर सकते हैं, डेट भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। एक्चुअली देखिए मंडे लिखी आ गई वहाँ पर, डेट तो नहीं लिखी आ रही भैया ये, तो इसको तो हम वीक कहते हैं अगर बेसिकली अगर हम कहें इसको तो वीक कहते हैं ऊपर की तरफ जो दिखा रहा है ये मंडे, तो ये तो वीक हो गया हमारा। तो डेट वेट तो यहाँ पर नहीं है, टाइम ज़रूर यहाँ पर दिखा पा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्लॉक साइज़ को आप ज़्यादा बड़ा मोटा पतला जो भी करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर भैया अच्छा डेट एंड डेट को भी आप यहाँ पर चीज कर सकते हैं। भाई डेट नहीं है यार, ये डेट नहीं है भाई, ये हम नहीं मानते इसको डेट, ये है भैया वीक, इसको चेंज करके वीक करो भैया। एक और बग हम यहाँ पर हमने ढूंढ लिया है। क्लॉक फॉन्ट स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, अरे वाह क्या बात है। तो मतलब यहाँ पर आप भर भर के कस्टमाइजेशन ज़रूर दी गई है इस रूम के अंदर आपको। और बात करें यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं, तो लोगो यहाँ पर, हेडर इमेज का ऑप्शन भी हमको देखने को मिल जाता है वहाँ। तो यहाँ पर आप जो है बहुत सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ। तो ओहो यार ये कुछ अलग है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो कंप्लीट नोटिफिकेशन बार का ही जो कलर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, बाकियों में यहाँ पर ऊपर तक करता है लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट ही चेंज। तो यार बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया किया है इस रोम ने, जो काम वगैरह काफ़ी अच्छा है। डार्कन भी कर सकते हो इमेज को अगर आप करना चाहो तो, और इसके अलावा ब्लर सपोर्ट भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का तो पूरा ब्लर हो जा रहा है। और बढ़िया है, एकदम बेस्ट रोम है, दिक्कत नहीं है यहाँ पर कोई। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैटरी स्टाइल भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर सर्कल में ज़्यादा पसंद करता हूँ। और यहाँ पर टेक्स्ट भी है भैया कुछ, यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ पर बैटरी डॉलर वॉलर के साइन लगाएगा चार्जिंग करते टाइम, पता नहीं बैटरी, अच्छा बैटरी बार में कुछ करेगा ये चेंजेस। ठीक है, आप खुद से चेक कर लेना भैया, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर, सारे तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा आपको। QS बैटरी स्टाइल भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन है भाई, भर भर के ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं सारे ऑप्शन यहाँ पर। नेटवर्क इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर परफेक्टली वर्किंग है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। बाकी मैं थीम का एक ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पर, थीम्स के अंदर हम चलते हैं यहाँ पर
प्री इंस्टॉल्ड थीम यहाँ पर हमको कुछ देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा खुद से भी आप जो यहाँ पर बना सकते हैं थीम को, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फॉन्ट भी देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके बाद क्लॉक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्लॉक के अंदर मुझे ये वाली क्लॉक ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ग्रिड के अंदर चलते, तो ग्रिड यहाँ पर फोर से स्टॉप हो रहा है फ्रेंड्स। आई डोंट नो, ये बग हो सकता है डेवलपर, एक और बग आपके लिए मैंने ढूंढ लिया है। वॉलपेपर के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर हमको काफी सारे वॉलपेपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही वॉलपेपर है, एक्चुअली काफी सारे नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर वॉलपेपर के नाम पे। थीम रूम भी यहाँ पर एक भैया चीज देखने को हमको मिल रही है, पता नहीं क्या है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एंशियंट कलर वगैरह चेंज करेगा, ये जो एंशियंट कलर वगैरह जो होते हैं उनको चेंज करेगा। यहाँ पर प्राइमरी कलर भी यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं, जिसको जो भी आपको मन करे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक ऑप्शन देख पा रहा हूँ हेडलाइन बॉडी फॉन्ट चेंज करने का, तो यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स भी आपको देखने का जरूर से यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आइकन शेप भी यहाँ पर बहुत सारी शेप है भाई साहब, इतनी शेप कहाँ से घुसेड़ दी उन्होंने, पता नहीं कौन कौन सी शेप डाल दी भाई, लेकिन बढ़िया है, आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइकन वगैरह भी स्टेटस बार के जो आप यहाँ पर चेंज वेंज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया यार, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर रोम के अंदर। वन यूआई का जो है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बोला था ये वन यूआई से ही इंस्पायर्ड है, तो यहाँ पर इसको अगर आप बंद कर देंगे तो ये शायद नॉर्मल हो जाए, बट पता नहीं, नॉर्मल तो कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पर अच्छा रीस्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर आपको इफेक्ट लेके आना है तो यहाँ पर रीस्टार्ट इसको करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होके ही आया है इसमें। उसके बाद बात करें यहाँ पर एम्बिएंट डिस्प्ले का, एक ऑप्शन हमको देखने को मिल जाता है। यस, इस बार मैंने सही बोला है, बेइज्जती मत करना कमेंट में जाके। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिफ्ट चेक फोन है, यहाँ पर प्राइमरी सेंसर वेंसर, पता नहीं ये काम करते हैं कि नहीं, बेसिकली यहाँ पर करने तो चाहिए। यहाँ पर हैंड वेव का तो भैया मेरे को कभी समझ में नहीं आया क्या हैंड वेव है, तो ये कभी काम करता है, कभी पता नहीं करता भी होगा, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करता है। यहाँ पर पॉकेट वाला जो है काम करता है, यहाँ पर लिफ्ट चेक योर फोन, तो यहाँ पर ये काम करेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मत करना भैया, बैटरी जो है यहाँ पर ज़्यादा चूस जाएगा, जब ये कोई नोटिफिकेशन आएगा तभी ऑन होएगा, ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है, तो इसको ज़्यादा छेड़ने की कोशिश मत करना, वरना आपका जो यहाँ पर बैटरी चूस जाएगा ये सारा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर QoS सेटिंग भी यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ ना मुझे बहुत पसंद आ रही है यहाँ पर, ये मतलब ये सिंपल वाला नहीं रखा हुआ है इन्होंने, काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे ये। इसके अलावा सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर CPU टेम्परेचर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, QoS में देखने को मिल जाएगा एक्चुअली। यहाँ पर क्विक सेटिंग के अंदर मुझे कहाँ देखने को मिलेगा यार, वो एक्चुअली यहाँ पर शायद मुझे यहाँ पर ये इसको ऑन करना पड़ेगा, तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाई, सबके अंदर ही कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ थीम से रिलेटेड यहाँ पर जरूर किया गया है पूरे ही फोन के अंदर ट्विक। बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो बटन भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप ऑडियो पैनल का जो है यहाँ पर क्या चीज़ आपको रखनी है ऑन क्या ऑफ रखनी है, तो ये भी आपको काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल रहा है। अगर आप देख पाएँ यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, तो देख पाएंगे आप, तो यहाँ पर काफ़ी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये काफ़ी बढ़िया लुक है। यहाँ पर अगर चारों भी ऑन कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ इस तरीके का आएगा और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा फोकस ज़रूर ले लेते हैं हम, तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है प्लेबैक वगैरह जो भी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है जानता हूँ मैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल इसके अंदर लेके आया हूँ, तो आई होप आपको जो है इस तरीके का वीडियो चाहिए या छोटा मोटा चीज़ें बताऊँ ये भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता देना। चलते हैं बाकी चीज़ों की तरफ जल्दी से, तो यहाँ पर पावर मेन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर आप काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट वगैरह फ्लाइट मोड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, स्क्रीनशॉट के अंदर हमको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि नहीं, हम ज़रूर से यहाँ पर चेक करना चाहेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट का जो है ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, तो बिल्कुल अवेलेबल है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ ही में आप इसको एडिट भी यहाँ से कर पाएंगे। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, तो जेस्टर्स का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, AOSP जेस्टर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आप स्वाइप अप नोटिफिकेशन वाला भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर इसके अलावा सिस्टम नेविगेशन का 3 बटन 2 बटन और फुल स्क्रीन जेस्टर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक मोडी ट्विक भी है, जहाँ पर आपको ये जो छोटी सी बार आती है वो भी आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटी सी बार आती है ये वाली, इस वाले को भी आप इस तरीके से जहाँ पर गायब कर सकते हैं और इसको सिंपली खुद से यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे पूरे फ़ोन को। तो मैं इसको एक बारी ऑफ़ कर देता हूँ, और ऑफ़ करने के बाद मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा, तो यहाँ पर काम कर रही है, हाँ बिल्कुल जी काम कर रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। इसके बाद टच स्क्रीन जेस्टर्स की हम बात करें, तो हैप्टिक फीडबैक वगैरह आपको चाहिए कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर बाकी चुटर पुटर चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर साइव टू
स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट भी हमको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बात करते हैं बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पर नेविगेशन बार के अंदर भी कुछ आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर कर सकते हैं आप अपने हिसाब से ट्विक। के अलावा लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जिनको आप चेकआउट खुद से कर पाएंगे। यहाँ पर एनिमेशन के अंदर भी आपको भर भर के एनिमेशन देखने को मिलती है, जो कि किसी रूम में मिलती है आजकल, किसी रूम के अंदर नहीं भी देखने को मिलती आजकल। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। आप आगे जाएंगे तो क्या होगा, पीछे जाएंगे तो किस तरीके का आपको इफेक्ट चाहिए, तो काफ़ी सारे इफेक्ट आपको इसके अंदर ज़रूर से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर बैटरी स्मार्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर अगर आपकी बैटरी यहाँ पर 90% से अबव हो जाती है तो आपकी जो है स्लो चार्जिंग हो जाएगी या इससे ज़्यादा चार्ज ही नहीं होगा कभी, तो इससे आपकी जो है बैटरी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन है। इसलिए नहीं, इसके अंदर भी हम चेकआउट कर लेते हैं। कस्टमाइज यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर को आप अपने राउंड कॉर्नर जो है इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं है इसका करके। फुल डिस्प्ले का यूज़ करो यारो, छोड़ के करोगे क्या। टोस्ट ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, तो पता नहीं क्या है कैसा है। ओहो, तो ऊपर की तरफ पता नहीं क्या हुआ भी है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर कम्प्लीटली एंशियंट OS का जो है यहाँ पर रिव्यू लेके आया। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। तो अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से जो आप इस रोम को जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार, और टेलीग्राम पे भी मेरा अपना चैनल और ग्रुप है जहाँ पे मेरे से आप बातें कर सकते हैं ढेर सारे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे, जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई लोग। TWRP के अंदर कैसे बूट करना है, बूट लोडर को कैसे अनलॉक करना है, इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमको वही सेम हमको प्रोसीजर है इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ पर हमको सारा जो है डिलीट करना पड़ेगा डेटा तक, सब कुछ यहाँ पर इंटरनल को छोड़ के। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ आराम से मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर वाइप। TWRP इंस्टॉल कैसे करनी है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, और न्यू वीडियो भी आ चुका है TWRP के ऊपर। बहुत सारे लोग इस रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार बता दो कैसे जो है नई वाली करनी है, तो उनको कुछ एरर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली आपको इंस्टॉल पे जाना है कुछ इस तरीके से जैसे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर एक बार अपना स्लॉट चेक कर लेना, अभी हम स्लॉट A में हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं रोम को सिलेक्ट कर लेना है, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, और उसको स्वाइप टू फ्लैश कर देना, यहाँ पर कंफर्म फ्लैश कर देना और वेट करना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ यार चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, अगर काफ़ी टाइम से मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर रहे हो, और यार ज़रूर से यहाँ पर एक बार ही ना लाइक करके ज़रूर जाया करो यार मेरी हर वीडियो को, ताकि मेरे को लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर एक दो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पसंद आते हैं उनको, तो वो मेरी वीडियो ना देखा करें, क्योंकि वो अनलाइक करके जाते हैं। मतलब यहाँ पर वीडियो शुरू बाद में होती है और वो पहले अनलाइक करके चले जाते हैं, तो वो बड़ा बेकार लगता है। तो आप लोग अपनी ताकत दिखा दो यार, सारे के सारे लोग जो है ना जो भी यहाँ पर आएगा वो लाइक करके ज़रूर जाना भाई प्लीज़। तो आप वेट कर लेते हैं यहाँ पर इसके कम्प्लीट होने का, यहाँ पर आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग सकता है, तो आपको आराम से वेट करना है। ये हो जाने के बाद सिंपली फ्रेंड्स आपको बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पर जो आपको TWRP को भी जो है वो इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इस वाले शायद बिल्ड के अंदर जो है यहाँ पर TWRP प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं है, वरना बाय द वे कभी कभी कोड्स में भी लिखा रहता है कि जो है यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो कोई बात नहीं, अगर होगी भी तो यहाँ पर हम जो है कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गई यहाँ पर भी ये डन, अब हमको बैक कर लेना है, यहाँ पर रिबूट के अंदर जाना है, अपना स्लॉट चेंज कर लेना है। स्लॉट चेंज करने के बाद सिंपली हमको यहाँ पर रिबूट में जाना है, रिकवरी में वापस से बूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद आपको इंस्टॉल पे जाना है, इंस्टॉल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन का, इसको भी कुछ इस तरीके से जो है फ्लैश कर लेना है, और उसके बाद जो है सिंपली आप यहाँ पर सिस्टम के अंदर बूट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़रूर से यहाँ पर लाइक कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, और हाँ यार टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।